हम लाहौर से बाहर रात आ रहे हैं और इस वक्त नजर डेवलपर्स हनी रमजान टूर्नामेंट में 11वां मैच शुरू होने को है। मुंबई चैंपियन एच हिलाल मध्य मुकाबिल होगी किंगडम वैली से। दोनों टीमों को कामयाबी की तलाश है। यह तो पहली खबर यह है कि एच हिलाल ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो दोनों टीमों की यह लाइनअप आप देख सकते हैं। बिलाल मुकीत ने आज आबिद अली, यासिर खान, ताहिर बेग, उवैस जफर, इन पर अपना जो दारोमदार है वो रखा है। सिराजुद्दीन ये फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा फखर फयाज, कामरान अफसर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। सलमान इरशाद, मोहम्मद नईम और इमरान जूनियर इनकी बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा है। नौजवान किंगडम वैली की टीम जी आज बिस्मिल्लाह खान कप्तानी कर रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद फैजान, अली रजाक, आफाक अहमद बाएं हाथ के बैटर, अली नासिर, खालिद उस्मान, उस्मान खलील, लेग स्पिनर उस्मान कादिर, ऑलराउंडर उमैद आसिफ, अली रजा और फास्ट बॉलर अली शफीक शामिल है किंगडम वैली के लिए। तो खबर यह है कि एच बी लाल ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। सिर्फ एक विकेट के फर्क से पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल सका था। अच्छी गेंद, बड़ा जबरदस्त आगाज अली रजा का, बहुत मुतासिर किया इन्होंने। कतई अच्छी गेंद नहीं थी, इस बार कैरिड अवे हो गए इस नई गेंद के साथ। उम्दा शॉट खेला, स्वीप शॉट खेला, ज्यादा अच्छी लाइन नहीं थी। इसकी बार फिर कोशिश की और अब की बार विकेटों के सामने पाए गए। खालिद उस्मान बिल्कुल इसी किस्म की विकेट की तलाश में थे, क्योंकि अगर नॉन टर्निंग आपको स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो आपको फिर जो है आड़े बल्ले के शॉट्स खेलने से इजतनाब करना चाहिए। स्वीप शॉट ऐसे बॉलर्स के खिलाफ खतरनाक होता है। चार रन बनाए कप्तान बिलाल मुकीत ने 10 पर 1। ज्यादातर इन स्विंग की अभी तक अली ने और ये गेंद लेट स्विंग हुई और निकल गई स्लिप की खाली पोजीशन से। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ड्रिल किया, टाइमिंग बहुत जबरदस्त यासिर खान की। ओ बोल्ड हो गए, ये अच्छा शॉट नहीं था। जानते थे खालिद उस्मान के पेशमत कदमी करेंगे, गेंद को उनसे दूर गिराया और ये अहम कामयाबी। क्या दूसरी विकेट एच बी लाल की और दूसरी विकेट खालिद उस्मान की। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद उनकी तवक्को के मुताबिक बल्ले पर आया नहीं है। गेंद थोड़ा टर्न हुआ और सीधे गेंद के लिए खेलने जा रहे थे लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड है। 13 रन की बारी खेली, स्टार्ट मिल गया था लेकिन इस स्टार्ट को बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पाए यासिर। 23 पर 2। फिर गेंद हवा में है, मिड ऑफ के फील्डर पीछे पलट रहे हैं और एक और कैच। आला क्रिकेट अली शफीक की जानिब से जिन्होंने इस कैच को मुमकिन बनाया पीछे दौड़ लगाते हुए। खालिद उस्मान ने तीसरी विकेट दिलाई है। रूम बनाया, इनसाइड आउट खेलने चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बड़ा जबरदस्त कैच अली शफीक का पीछे की जानिब जाते हुए और ताहिर बेग का बुरा रन जारी रहा, सिर्फ 6 रन बना पाए और पावर प्ले के अंदर ही 3 बड़ी विकेटें गवा दी हैं एक आई कैन एच बी लाल ने। खालिद उस्मान, खराब गेंद डाउन द लेग साइड, इसको सिर्फ गाइड करना था फाइन लेग फेंस की जानिब और उसमें कामयाब हुए हैं। मौजूद है खालिद उस्मान के और एक और विकेट यहां पर मिल जाएगी खालिद को। आसान कैच अली शफीक का और ये चौथी कामयाबी खालिद उस्मान के नाम। आज की ये रात खालिद उस्मान की रात है। रफ्तार भी उतनी नहीं थी जितनी बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये चेक शॉट अबूर नहीं कर सके फील्डर को और अली शफीक आज अक्सर औकात में गेंद के नीचे दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद नईम सिर्फ 4 रन बना पाए और एच बी लाल मुश्किलात का शिकार। जबरदस्त गेंद, लाउड शाउट। खालिद उस्मान आज जो भी कर रहे हैं वो इनके हक में जा रहा है। 5वीं कामयाबी वो भी पावर प्ले के अंदर खालिद उस्मान के नाम। पहला ही गेंद सामना कर रहे थे, पढ़ने के बाद सीधा रहा और अगर ये टांग सामने ना होती तो यकीनी तौर पर मिडिल स्टंप से जाकर टकराता। आसान फैसला राशिद रियाज के लिए
और बगैर कोई रन बनाए वापस लौटेंगे अवैध जफर। भिश्रा एक और कामयाबी हासिल हुई है उस्मान को, और ये जो विकेट गिरने का तसलसल है वो जारी है, और इस बार आबिद चकार हुए, और ये एक बड़ी ट्रिकी किस्म की फ्लैटेड गेंद थी, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच मिड विकेट पर। भिश्रा 45 पर 6, एच बी लाल आबिद अली रुखसत हुए। ओ, एक और उम्दा कैच, इस बार अपनी गेंद पर खालिद उस्मान ने कैच गिराया था, लेकिन यहां उनने टीम के लिए अहम कामयाबी हासिल की। ये पार्टनरशिप जो पनप सकती थी उसका भी जल्दी खात्मा हो गया, दूसरी कोशिश में कामयाबी मिली खालिद को। ये अब नाकाबले यकीन सूरत हाल है, कामर अफजल कैच, उस्मान बोल्ड, आफाक 4, तो इस तरह 11 ओवर और 4 गेंदों के बाद 50 पर 7 एच बी लाल। मिल गई थी लेकिन यहां झिझक गया और एक और विकेट गई। एहसन रजा को कोई दिक्कत नहीं हुई, वहीं उन्होंने अपना हुक्म सुना दिया, दोनों ही बल्लेबाज गेंद को देख रहे थे, और इस दौरान इमरान अपनी विकेट खो बैठे। ये देखिए प्लेस किया, दौड़ पड़े, जल्दी थी अपना खाता खोलने की, फिर वापस दौड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और एक आसान फैसला अंपायर एहसन रजा के लिए, कोसों दूर थे इमरान और अपनी विकेट खो बैठे, रन आउट भी हो गए, विकेट नंबर 8 है। खुश नहीं है अपने आप से भी, और देखा मैं जो नॉन स्ट्राइकर इन पर बैठ रहे हैं उनसे भी, 0 पर आउट हुए और 50 पर 8 12 ओवरों के बाद। और इस तरह इस गेंद को ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर, गेंद काफी देर तक हवा में लेने के बाद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। स्कोर को आगे लेके जाने के सिलसिले में इस गेंद को चौथा तरीके से पुल कर दिया है, बल्कि स्वीप किया है, गेंद गई फील्डर के हाथ में, लेकिन कैच भी ड्रॉप हुआ और छक्का भी हो गया। जो लीडरशिप थी वो जाहिर है कि उसके बारे में जितना कहा जाए तारीफ की जाए कम है। इस गेंद को दो दाव कैसे खेल दिया है ऑन साइड पर, और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। तो सलमान शाह का कहना होगा बल्ला रन फिल वक्त उगल रहा है। कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट लाहौर। लीजिए बड़ी अच्छी एंटिसिपेशन, और उस्मान जानते थे, वो उनको पता था कि वो क्या चाल चलेंगे। उम्दा लेग स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा, गेंद बहुत ज्यादा टर्न हुई, बिस्मिल्लाह खान के शायद ये ग्लव को लगती हुई गई थी, लेकिन मुस्तैद खड़े हुए थे स्लिप के फील्डर। इस तरह पार्टनरशिप का खात्मा हुआ जिसमें 25 रन बने। सलमान इरशाद ने बनाए 19, 75 पर 9। 9 बैटर आउट हो चुके हैं, उस्मान बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ये ऊंचा शॉट है ऑन साइड पर, और ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। इस ओवर में ये दूसरा छक्का लगा है उस्मान कादिर को। ये अच्छा शॉट है, फील्डर दायरे के अंदर हैं, लेकिन अगर पीछे भी होते तो, क्योंकि ये बॉल बहुत सीधा लगा था। अरे भाई वाह, क्या शॉट है, ये पहले कहां थे प्लेयर? क्रिकेट खेलते थे तब ऐसे शॉट्स ज्यादा नहीं लगते थे। ये हवा में बॉल है, फील्डर है नीचे और वो ले लेंगे। खालिद उस्मान के लिए आज की शाम तो बहुत ही बेहतरीन रही है, और अब्दुल रजाक के लिए भी, क्योंकि ये उनकी टीम है और बहुत ही खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से अपनी टीम की, 97 रन पर डिफेंडिंग चैंपियंस को ढेर कर दिया। बधाई 5 बल्लेबाजों के नाम के सामने देखिए, खालिद उस्मान का नाम लिखा हुआ है। कोई भी खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सका। नंबर 10 पर सलमान इरशाद 19 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जो ये बताता है बैटिंग लाइन की बेबसी का। 17.3 ओवर में सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई एच बी लाल। यहाँ एक ही नाम है जो यहाँ स्टैंड आउट करता है, वो है खालिद उस्मान का, जिन्होंने 5 विकेट हासिल किए हैं 21 रन देकर। और उस्मान खालिद एक और भी हैं जिन्होंने 2 विकेट हासिल की 23 रन देकर। 1 विकेट रही अफाक के नाम, 1 रही फैजान के नाम, और इस बॉलिंग यूनिट ने आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, डिफेंडिंग चैंपियंस को 97 रन पर ऑल आउट कर दिया है 17.3 ओवर्स में। तो 98 रन बनाने हैं किंगडम वैली को 20 ओवर्स में। बजाहिर ये हदफ बहुत ही आसान है, लेकिन जब दूसरी इनिंग्स शुरू होगी तो तब हम ये जानेंगे कि किंगडम वैली किस तरह से इस हदफ का ताकुब करती है। लेकिन यहाँ फास्ट बॉलर कार्रवाई
का आगाज करेंगे इमरान जूनियर अभिनंदन से। बिस्मिल्लाह खान ये जाएंगे शुरू से ही बार करने के लिए। अगले चार खिलाड़ी लेग साइड में हैं, शेप नजर आई इन स्विंग, पैड्स को निशाना बनाना चाहते थे इमरान जूनियर लेकिन अच्छा खेला, इसे टाइम किया। ये शानदार शॉट फैजान का, इससे उनकी सलाहितों का खुल के इजहार हुआ। एक बार फिर टाइम किया, एक और छक्का, जी हां बाउंड्री को फिर से क्लियर किया और स्पिनर्स पर शॉट्स भी लग जाते हैं। किस तरह कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और ऐसा लगता है कि बड़ा शॉट खेला, ये छह रन हैं। गेंद बाउंड्री से भी कई गज आगे जाकर गिरी, फिर से टाइम किया, प्लेसमेंट बड़ी उम्दा थी कवर और पॉइंट के दरमियान। मिड ऑन को क्लियर किया बड़ी आसानी से चार रन के लिए। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चार रन एक और इस बार बिस्मिल्लाह की जानिब से। और चार्ज किया इसे, हवा में खेल दिया इमरान के ऊपर से चार रन के लिए। और ये नेट रन रेट जो है ये और बिगड़ेगी इस तरह के स्ट्रोक के साथ। ये बेहतर लेंथ है इस पिच के एतबार से, लेकिन इस वक्त क्योंकि बल्लेबाजों को गेंद बहुत बड़ी नजर आ रही है सिवाय अपने आप के। और एक और फील्डर है, फील्डर ने कैच ले लिया। फैजान अपने 50 रन बनाने के चक्कर में विकेट गवा बैठे, थोड़ा नीचे लगा बॉल। ये सब बॉलिंग एक्शन है, गेंद के ज्यादा करीब आने की वजह से भी उतनी एलिवेशन नहीं पा सके फैजान, लेकिन बेहतरीन बैटिंग करके गए, अपनी धाक बिठाई है। 47 रन की जारहाना इनिंग्स, चार चौके चार छक्के लगाए, 82 पर एक। पिछले कदम पर जाकर कट किया, गेंद चली है पॉइंट और शॉर्ट थर्ड के दरमियान गैप से चार रन के लिए। बहुत मायूसकुन कारकर्दगी रही है दिफाई चैंपियन की, और ये गेंद जाएगा मैदान से बाहर। बिस्मिल्लाह खान इसी ओवर में शायद खत्म करना चाहते हैं। ड्रिल किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये टाइमिंग बहुत जबरदस्त, चार रन मिल जाएंगे अली रजाक को। और इसके साथ ही बिस्मिल्लाह खान ने किंगडम वैली की जीत का ऐलान कर दिया। ये बहुत ही यकतरफा मुकाबला हुआ, सिर्फ 37 गेंदों में इस टारगेट तक रसाई हासिल कर ली है किंगडम वैली ने। फैजान 47 रन बनाकर आउट हो गए, बदकिस्मती से अपने 50 रन नहीं मुकम्मल कर पाए, सिर्फ 20 गेंदों को उन्होंने सामना किया। बिस्मिल्लाह खान कप्तान है, 200 के स्ट्राइक रेट से वो 31 रन के साथ नॉट आउट रहे और सिर्फ 37 गेंदों में 101 रन बनाकर किंगडम वैली ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। और ये बॉलिंग कार्ड नहायत मायूसकुन है, इमरान जूनियर ने 14 रन दिए अपने ओवर में, सिराज को 19 पड़े, कामरान अफजल जो स्पिनर हैं उन्हें एक ओवर में 27 रन देना पड़े, फाखिर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए और कहीं भी कोई भी ऐसा बॉलर दिखाई नहीं दिया जिसने बेहतर कारकर्दगी दिखाई हो। सिर्फ 97 रन बनाकर ढेर हो गई थी किंगडम वैली की टीम, जिसकी वजह खालिद उस्मान की 5 विकेटें थी, उस्मान खालिद ने भी 2 विकेटें हासिल की और जवाब में सिर्फ 6.1 ओवर में मतलूबा टारगेट हासिल किया किंगडम वैली ने। फैजान ने 47 बनाए, बिस्मिल्लाह 31 रन के साथ नॉट आउट रहे और किंगडम वैली ने 9 विकेटों से एक बड़ी फतह हासिल की।